दिल्ली चुनाव में विवाद पैदा करने वाले बयानों की बमबारी सी हो रही है। सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर बेहद आपत्तिजनक हमला किया। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नक्सली कह दिया है और अब इस पर काफी विवाद हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहीन बाग के मामले पर लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने अब आपत्तिजनक बयान दिया है और उनका ये बयान अरविंद केजरीवाल को लेकर है। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल नक्सली हैं। परवेश वर्मा का लगातार ये दूसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली चुनावों के मद्देनजर शाहीन बाग को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शाहीन बाग को एक घंटे में खाली कर देंगे। जानती है कि उन्होंने कितने नेताओं के ऊपर में आरोप लगाया, बाद में सबसे माफी मांगते रहते हैं, तो ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है कि झूठ बोलना बाद में माफी मांग लेना। और मैंने उनको आतंकी नहीं कहा, मैंने उनको नक्सलवादी कहा, जो वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो वो जैसे कोई नक्सलवादी काम करता है वैसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करता है। देखिए आतंकवादी भी यही काम करते हैं, वो भी लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। दिल्ली में जो आग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो सारे बसों में आग लगा रहे हैं, सारे वीडियो देखे जा सकते हैं, तो ये सारे वही लोग हैं। अगर कोई दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी आतंकवादी घटना से कम नहीं।